कलयुग में एक भी क्षत्रिय बचा नहीं था, एक भी नहीं। ऐसा मेरा बोलना है क्या? नहीं, ऐसा इनका ही बोलना था। कला वंदतियो स्थिति, यानी कि कलयुग में आते आते सिर्फ दो ही वर्ण बचेंगे, और वो कौन से वर्ण रहेंगे? वो रहेगा ब्राह्मण वर्ग और वो रहेगा शूद्र वर्ग वर्ण, यानी कि क्षत्रिय बचेंगे ही नहीं। भारत में कंडीशन इतनी वर्सन इतनी खराब हो चुकी थी कि इन्होंने सीधा सीधा ये डिक्लेयर कर दिया था कि दिल्ली शोरवा जगदीश शोरवा, यानी कि ये जो मुगली लोग वहां पे बैठे हुए थे या आदिलशाही ये सब सरदार वहां बैठे हुए थे, सारे धर्म पंडितों ने उस समय के नॉर्थ वाले ये डिक्लेयर कर दिया दिल्ली शोरवा जगदीश शोरवा, क्योंकि क्षत्रिय तो बचे नहीं है, फिर राजा कौन है? तो यवन ही राजा है। यवन वाले जो लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो आक्रांता है, जो इस्लामिक आक्रांता है, वो राजा है। शूद्र कमलाकर करके किताब लिखी गई, उसमें तो और लाइन खींच दी गई, बोले क्षत्रिय तो है नहीं तो राजा यही बनेंगे। यानी तुम इस बात को सोचो, तुम्हें खतरा बाहर वालों से नहीं था, तुम्हें खतरा अपनों से ही था। और ये सब नकली झोला छाप धर्म पंडित धर्म की सभा लेके, इवन उस समय पे जिस समय पे राजा कृष्णदेव राय यानी कि आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा, उनके जब मस्तक छाट के नाली के सामने रखा गया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आलिया आदिल शाह बोले ये दत्त का अवतार है। सोचो तुम, कंडीशन इतनी वर्षन थी। इस पार्श्वभूमि पे तुम्हें समझेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने तो उनके राज्याभिषेक का कितना भयंकर महत्व रहा होगा। और मैं झोला छाप नकली धर्म पंडितों की बात कर रहा हूं, असली धर्म पंडित असली ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को अपोजिशन करने वाले सब अपने ही लोग थे, साले सब नकली नकली क्षत्रिय नकली ब्राह्मण। शिवाजी महाराज को जिस समय पे अफजल खान मारने आया था, उस समय पे सिर्फ उनके साथ में कृष्णा भास्कर कुलकर्णी आया था क्या? नहीं, मंबाजी भोसले शिवाजी महाराज के कजिन चाचा, उन्हीं के फैमिली वाले जो शाहजी राजे से नफरत करते थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, मोहिते आए हैं, घाट के आए हैं। शिवाजी महाराज के दुश्मनों में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में उनके युद्ध जितने वो सारे मराठा सरदार है। वो जावली के मोरे को काटना पड़ा वहां पे। तो आप इस बात को समझो, इट वॉज नॉट अ वॉर, इट वॉज नॉट अ वॉर ऑफ कि आप दो जातियों में लड़ाई हो रही है। ये हमेशा से देखा गया कि कृष्ण भास्कर कुलकर्णी को टारगेट बना के ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। नहीं भाई, शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के बाद में जब अष्टप्रधान मंडल बनाया, उस अष्टप्रधान मंडल में से 7 लोग ब्राह्मण है। अरे इतना घटिया घटिया लिखते हैं कुछ कुछ राइटर में, कुछ कुछ राइटर तो ऐसा दिखाते हैं कि शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे और बोल रहे ब्राह्मणों से दूर रहो। यानी आपको युति बनानी है अपने पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए मुसलमानों के साथ में, तो आप औरंगजेब को कुछ बोलोगे ही नहीं। औरंगजेब अच्छा ही था, आदिल शाह अच्छा ही था, फिर हरामी कौन थे? तो ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों की वजह से इसीलिए फिर वेद किसने लिखे? ब्राह्मणों ने लिखे। फिर वेद ब्राह्मणों ने लिखे, यानी कि पूरे वेदों में से हिंदुइज्म आता है, इसलिए हिंदुइज्म ही खराब है। ये ब्राह्मणों को टारगेट नहीं करना चाहते, ये इनडायरेक्टली ब्राह्मणों के वाया ये हिंदुइज्म पर अटैक करना चाहते। ये तुमको आज समझना होगा, ये रियलिटी हो चुकी है। मैं ब्राह्मण हूं क्या? नहीं, मैंने पास्ट में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए कि मेरे को ब्राह्मणों ने भी गालियां दिया, लेकिन ये वाली सच्चाई बोलने से पहले भी मैं 2 मिनट में डरूंगा। ये बात हमेशा याद रखना। राज्याभिषेक का महत्व यह था कि सारे हिंदुओं जनसमता की एकता को शिवाजी महाराज ने एक जगह पे लाके समतल रख दिया था, समतल एक जगह पे एक एक लाइन में खड़ा कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय पे, जिस समय पे चारों तरफ से यवनों ने तुम्हें घेरा है, उस समय पे शिवाजी महाराज राजा बने। एक भी ऐसा राजा नहीं था जो सार्वभौम था। सार्वभौम यानी कि जिसपे बाहर से कोई भी रूल नहीं कर रहा। सबको मुगलों को चौथ देनी पड़ती थी, मुगलों को टैक्स देना पड़ता था। शिवाजी महाराज ने नहीं दिया, जिस समय देना था उस समय दिया, उसके बाद देना बंद कर दिया। बोले अब तो हम वसूलेंगे, चौथ वसूली जाती थी, दी नहीं जाती थी। विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, और ध्वस्त होने के बाद कई सैकड़ों सालों तक कोई साम्राज्य खड़ा नहीं हो रहा है, हिंदुओं का सार्वभौम साम्राज्य। सिद्धिहिलाल जो मुगलों का सेनापति था, जाधवराव जो मुगलों के सेनापति थे, मुगलों के पास में रह रहा करते थे, वो शिवाजी महाराज के पास में आए हैं।
एक पुराना साम्राज्य, छत्रसाल का पुराना साम्राज्य, वो खड़ा होकर शिवाजी महाराज से मदद मांगने के लिए आए हैं। ऐसे समय पर शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया। कवि भूषण जो औरंगजेब के कवि थे, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था, उसके कुछ महीने पहले कवि भूषण ये रायगढ़ पे आए और रायगढ़ पे आके एक मंदिर में बैठे, और मंदिर में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी महाराज से मिलना चाहता हूं, मैंने शिवाजी महाराज के लिए कविता लिखी है। तो एक व्यक्ति मंदिर के पास गया, बोले बताओ क्या कविता है। बोले इंद्र जिमी जम्ब पर वाड़ वसु अम्ब पर रावण से द्रम्ब पर रघुकुल राजा है, पवन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम दिज राजा है, तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर व्योमल अच्छ पर शेर शिव राजा है। बोले वाह, फिर से एक बार, फिर से कही उन्होंने तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर। बोले फिर से एक, बोले वाह वाह, रिपीट रिपीट रिपीट। बोले तुम हो कौन, आप हो कौन, मेरे को रिपीट करने लगा रहे। बोले मैं शिवाजी हूं। रुका क्यों, जब जब तू बोल रहा था तब तब मैं तेरे नाम पे कितना तो ध्यान, कितने तो सोने के सिक्के, कितने तो सोने के जवाहरात, कितने तो गांव तेरे नाम पे कर रहा था। औरंगजेब का कवि, कवि भूषण ये औरंगजेब के दरबार में जब बैठा करते थे, उन्होंने देखा कि भैया औरंगजेब जो है जो इतनी नास्ती फैला रहा है, तो औरंगजेब को देख के उन्होंने लिखा। औरंगजेब ने उनसे कहा कि मेरे ऊपर कविता लिखो, तो उन्होंने लिखा औरंगजेब इतने अच्छे हो, लेकिन औरंगजेब ने कहा सच सच लिख। तो उन्होंने कविता लिखी, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और औरंगजेब ने ऐसे देखा, उनको लगा अब तो मैं गया, तो वो छोड़ के दक्षिण में आए। उनको पता था छत्रसाल के बारे में, पता था लोगों के बारे में, पता था कि लोगों के मन में एक विजय की भावना निर्माण हो रही है, सारी समस्त हिंदू जन एकत्रित हो रहे हैं। ये 1671 की बात है, लक्षित बरफुकन, वो बैटल ऑफ सराई घाट हुई है उस समय पे। लक्षित बरफुकन ने जिस समय पे उन्होंने अपने, हमारे यहां पर जैसे बखर होती है वहां पे उनके बुरंजी होती है, उस बुरंजी में उन्होंने उल्लेख किया है कि बैटल ऑफ सराई घाट के बाद मैंने जो नेवल फोर्स खड़ी की और मुगलों को जो मैंने लड़ाई करी, उसके पीछे मेरी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज है। महाराष्ट्र कहां पे, आसाम कहां पे, आप इस बात को समझो। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शिवाजी महाराज की इच्छा नहीं थी राज्याभिषेक करवाने की। वो कहते थे कि भाई मैं राजा बन के क्या करूं, क्योंकि आप देखो ना, शिवाजी महाराज ने ना तो अपने राज्य को अपना नाम दिया शिवराज्य, उन्होंने नाम दिया स्वराज्य, ना तो उन्होंने किसी गढ़ किले को अपना नाम दिया, ना अपने घराने का नाम दिया, ना अपने बेटे का नाम दिया, ना अपने पत्नी का नाम दिया, ना अपने माता का नाम दिया, ना अपने पिता का नाम दिया, ना अपने घराने का नाम दिया, किसी किले को नहीं दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बनना क्यों जरूरी थे, क्योंकि उस समय पर प्रथा यह थी कि कोई भी राजा जब मरता था उसकी हायरार्की चलाने के लिए कोई व्यक्ति का जीवित रहना बहुत जरूरी रहता था, और राजशाही पद्धति में राजा मरने के बाद में उसके बेटे को ही राजा बनाया जाता था। लेकिन जिस समय पे छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने, तो ये पोर्तुगीज, मुगल, डच इनको राजा नहीं मानते थे राजा बनने के पहले, मतलब छत्रपति के तख्तासीन होने के पहले, ये इनको लुटेरा मानते थे। शिवाजी महाराज ने भौगोलिक परिस्थिति में कुछ जमीनों को जीता था, लेकिन जमीनों को जीतने के बाद में भी छत्रपति शिवाजी महाराज उस अधिकृत जमीन के अधिपति नहीं बन पाए, उस भौगोलिक परिस्थिति के अधिपति नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि जिस समय पे आप देखोगे तानाजी का और उदयभान का युद्ध हुआ है, तो उदयभान ने आके वहां पे ये कहा है कि शिवाजी महाराज ने ये जो जमीन है वो जबरदस्ती हड़पाई थी, हमने अब इसे वापस ले लिया है, तो मैं उदयभान मुगल का सरदार, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, ये मुगल का परचम है। समझ रहे हो तुम? वो जो डोलारे कहता है मुझे, यानी कि मराठी में डोलारे कहते हैं, यानी कि एक समझ लो स्टैम्प पेपर, ये स्टैम्प पेपर दिस इज गिवन बाय मुगल किंग। शिवाजी महाराज का अधिकृत कोई स्टैम्प पेपर नहीं था, लोग शिवाजी महाराज को राजा मानते थे, लेकिन ऑथेंटिफिकेशन आज भी वो आदिलशाही और मुगलशाही से लेते थे। इसीलिए शिवाजी महाराज का एक ऑफिशियली राज्याभिषेक होकर राजा बनना काफी जरूरी था, बहुत जरूरी था। और इसी चक्कर में 6 महीने पहले से तैयारी होना शुरू हो गई, यानी कि आप सोचो राज्याभिषेक हुआ जून के महीने में, 6 जून 1674, लेकिन जनवरी 1674 से ही शिवाजी महाराज ने
गागा भट्ट को काशी से बुला लिया था। अब लोग अब गागा भट्ट की मजा देखो, लोग यहाँ पे क्या फैलाते, गागा भट्ट जो है भैया वो गागा भट्ट गागा शिव ये जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे भैया उन्होंने अपोज किया भैया, तो अपोज करने की वजह से गागा भट्ट को बुलाना पड़ा भैया, वो काशी के थे भैया, अरे झंडू वो नासिक के थे। सातवीं छठवीं शताब्दी में जब महाराष्ट्र में बहुत अकाल पड़ा तो उस समय भी उनकी फैमिली काशी में शिफ्ट हो गई थी और वो बीच बीच में महाराष्ट्र में आते रहते थे, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए नासिक में आना पड़ा था, आप जाके देखना, योगी आदित्यनाथ जी को नासिक में आना पड़ा था, उसी तरह से नासिक में पैठन में इनका घराना था। ये पैठन के है गागाभट, वो कोई उत्तर के नहीं है, उत्तर से बुलाना पड़ा और बोले, फिर उन्होंने पैरों के अंगूठे से राज्याभिषेक किया, पैरों के अंगूठे से राज्याभिषेक कर रहे थे, मराठे क्या देख रहे थे क्या, इनके इतने बड़े राजा का पैर उंगली लगा रहे हो तुम, पैरों को अंगूठा लगा रहे हो, मराठे देख रहे, वाह 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 वाह। गागा भट्ट जी के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि उस समय पे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के काम होते थे वो धर्म के हिसाब से भी हुआ करते थे। तो शिवाजी महाराज ने कुछ कुछ लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया है, ऐसा नहीं है कि धर्म में जो कुप्रथाएं थी उनको ब्रेक किया शिवाजी महाराज ने। आगे हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का धर्मांतरण हो जाता था मुसलमान में तो शिवाजी महाराज ने घर वापसी भी करवाई है, हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन आप इस बात को समझो, कुछ कुछ चीजों को समझने के लिए शिवाजी महाराज धर्म के हिसाब से हो इसलिए वो राय लेते रहते थे, और पिछले 10-15 सालों से वो गागा भट्ट जी के कॉन्टेक्ट में थे कि ऐसी राय लेना है तो क्या करना है, ऐसी राय लेना है तो क्या करना है, ऐसी राय लेना है तो क्या करना है। और गागा भट्ट जी के कॉन्टेक्ट में होने की वजह से वो हमेशा उनसे पूछा करते थे कि हमें अब कुछ नया करना है, अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना है। तो गागा भट्ट जी का कोई संबंध एकदम से नहीं आया कि उनको जाके बुलाना पड़ा और फिर उन्होंने कहा, और ये भी बात फैलाते, पहले उन्होंने अपोज कर दिया, फिर कहा इतना इतना पैसा लेंगे, अरे शिवाजी महाराज वहां पे कभी भूषण को पैसा लुटा रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे, तुमको क्या चिंदी समझ रहे हो क्या, मराठा साम्राज्य को, मुगलों की फाड़ने के लिए तुले हुए थे वो लोग, और अभी कंडीशन ऐसी आ गई थी कि मुगलों को हमने सिर्फ गनीमी कावा करके नहीं खुले मैदान में भी हराना शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था ये तय था, 6 महीने पहले से तैयारी शुरू हो गई, जनवरी में बुलाया, फरवरी में वहां पे एक कांड हो गया, प्रतापराव गुजर वाला वेड़ा तो मराठे वीर दौड़ले सात वाला, जो हमने पुराना पिछला एपिसोड है वहां से हम लोग आए। अब यहां पे ये बात निकल के आती है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए, ये किसने तय किया? उस समय पे हमारे स्वराज्य के जनरल सेक्रेटरी थे, जो एडवाइजर थे चीफ, उनका नाम था बाळाजी आवजी चिटणीस, ये एक बहुत बड़े व्यक्ति थे उस समय पे स्वराज्य में रहने वाले। दूसरे हैं जीजाबाई, तीसरे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज खुद, और चौथा नाम निकल के आता है रामदास स्वामी। अब लोग कहते हैं कि रामदास स्वामी का शिवाजी महाराज का कोई संबंध नहीं, हाँ भैया वो गुरु नहीं थे, स्पिरिचुअल गाइड करके हम उन्हें कह सकते हैं। गुरु होना अलग होता है, गुरु वो होता है जो बचपन से साथ में होता है। शिवाजी महाराज ने भी ऐसा कहीं पे उल्लेखित नहीं किया कि वो मेरे गुरु है, और गुरु वो होता है जो पहले मिलता है, तो कई सारी स्टोरियां उनके साथ में कनेक्ट की गई। लेकिन रामदास स्वामी का अपना एक महत्व है, जिस समय पे अफजल खान स्वारी करके आने वाला था उस समय पे शिवाजी महाराज को लेटर लिख के वॉर्न करने वाले भी यही थे। हमारे महाराष्ट्र में एक आरती होती है, सुखकर्ता दुखकर्ता वार्ता विघ्नाची, तो ये जो आरती है ये आरती के राइटर भी रामदास स्वामी, और सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची किसकी वार्ता है, वो इसी की वार्ता है कि सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्न की वार्ता आई हुई है, किसकी, अफजल खान आ रहा है बचा ले हमें। रामदास स्वामी की इतना अपमान करते ये लोग, उस व्यक्ति ने समस्त भारत भ्रमण करके अखाड़े निर्माण किए, और अखाड़े निर्माण करके पूरे भारतवर्ष को एक करने का काम उस समय उस व्यक्ति ने उस समय पे किया है। अब यहां पे दिक्कत क्या है सुन समझो, रामदास स्वामी के नाम से कुछ लोग चिढ़ते क्यों है, उसके पीछे दो कारण है और वो जस्टिफाइड है। सुनो, होता क्या है ना, अब ये जो कट्टर बैठे हुए धर्म अपने जातिवादी लोग,
कि भैया ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो पैदा हो सकते, खून उनका असली होना चाहिए, नकली खून नहीं होना चाहिए। झंडू झोला छाप वाले, इनकी रियलिटी बताता हूं मैं तुम्हें। रामदास स्वामी ने एक शिवाजी महाराज की जो प्रचीति है, शिवाजी महाराज के बारे में कविता लिखी, कविता समझो आप उसे कविता कहो, उन्होंने कहा महाराष्ट्र धर्म राहिला तुम्हा कारणे, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, ऐसी शिवाजी महाराज की प्रचीति है। शिवाजी महाराज के बारे में अच्छे शब्द लिखे गए, तो उसमें एक लाइन आती है कि महाराष्ट्र धर्म राहिला तुम्हा कारणे। अब ये लोग जो है ये झोला छाप वाले, ये क्या करते हैं कि महाराष्ट्र धर्म राहिला, महाराष्ट्र धर्म जो है वो क्या है? तो महाराष्ट्र धर्म तो वो है भैया कि भैया महाराष्ट्र धर्म वर्ण 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 धर्म है भैया, वर्ण संस्कार वाला धर्म है भैया, मतलब जो पैदा होगा वही क्षत्रिय होगा और जो पैदा होगा वही ब्राह्मण होगा। इसीलिए शिवाजी महाराज रामदास स्वामी भी वर्ण संस्कार को मानते थे, तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते, ऐसा सोचने वाले और ऐसा मानने वाले कुछ लोग भारत में अभी भी है। तो वो कहते हैं कि रामदास स्वामी जो है वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के अंडर में शिवाजी महाराज पले बड़े, इसीलिए वो बड़े बने। शिवाजी महाराज का और रामदास स्वामी का जिस समय पे पहली बार कांटेक्ट आया, शिवाजी महाराज उस समय अफजल खान को मारने जाने वाले थे, यानी कि शिवाजी महाराज ने अपने कार्य करने के 25-26 साल के बाद में शिवाजी महाराज का कांटेक्ट रामदास स्वामी के साथ में आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है कि शिवाजी महाराज इसीलिए बड़े थे क्योंकि रामदास स्वामी नाम के ब्राह्मण उनके साथ में थे और ब्राह्मणों के बिना क्षत्रिय आगे नहीं जा सकते। ऐसा जब फैलाया जाता है समाज में तब ये टेढ़ निर्माण होती है। रामदास स्वामी के लिए आई हैव सो मच रिस्पेक्ट कि उस व्यक्ति ने जो किताब लिखी दासबोध, आज हमारे यहां पे पारायण होते उसके, लोग 10-10 बार पढ़ते हैं, वो 10-10 बार पढ़ने वाली किताब नहीं है, वो समाज के ऊपर किया हुआ प्रबोधन है और समाज के ऊपर किया हुआ प्रबोधन 10 बार पढ़ना नहीं पड़ता, अप्लाई करना पड़ता है 10 बार। लड़कियां नहीं पढ़ सकती बोले दासबोध, दासबोध बोले उसका पाप लगता है पुण्य, उसके मार फॉलोअर्स बना के रखे। वो क्या तुम्हारी रिलीजियस किताब है? वो दासबोध वो सामाजिक किताब है। लेकिन जो लोग रामदास स्वामी का महत्व नहीं समझ सकते दोनों साइड में, कुछ कास्ट वाले अपना बोस्टिंग करने के लिए आते, देखो रामदास स्वामी ब्राह्मण थे हमारे, और कुछ लोग आते शिवाजी महाराज क्षत्रिय थे देखो देखो हमारे, इसलिए ऐसे त्रिवेणी निर्माण होते हैं। तो चार नाम निकल के आते हैं, रामदास स्वामी का भी नाम आता है भाई, आएगा क्यों नहीं आएगा? तुकाराम महाराज ने खुद उनके अभंग में कहा है कि माझा काम झालेला है, मेरा काम हो चुका है कि अब समय है कि तुम रामदास स्वामी से जाके मिलो, उनके अभंग में आता है यार। तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज के स्पिरिचुअल गाइड है, शिवाजी महाराज के तुकाराम महाराज स्पिरिचुअल गाइड है। गुरु कौन होता है? जो बचपन से तुम्हारे साथ में होता है, और वो जीजाबाई है शिवाजी महाराज के लिए। और एक व्यक्ति के 3-4 स्पिरिचुअल गाइड्स नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते? अब ध्यान से समझना आगे। तो उस समय पे बालाजी आवजी जिटनीस, जीजाबाई, शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी, ऐसे 4 लोग थे। और रामदास स्वामी का नाम मैं क्यों ऑथेंटिकली ले रहा हूं, मैं इसका भी तुम्हें उल्लेख दूंगा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए यह बात बालाजी आवजी चिटनीस ने कही, ऐसे कुछ बखरकार कहते हैं, यानी कि शिव दिग्विजय करके एक बखर है, शिव दिग्विजय बखर में यह लिखा हुआ है। शिव दिग्विजय बखर यह कहती है कि उस समय पे मोहिते, शिरके, महाड़िक, निंबाळकर, ऐसे कुछ अलग मराठा साम्राज्य, मराठा जो वहां पे सरदार होते थे जो आदिलशाह के दरबार में वगैरह होते थे, वो शिवाजी महाराज को राजा नहीं मान रहे थे और शिवाजी महाराज की ऑथेंटिसिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इस समय पे शिवाजी महाराज ने बालाजी आवजी चिटनीस को जब पूछा कि क्या करना चाहिए, तो बालाजी आवजी चिटनीस ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा राज्याभिषेक करवा लेना चाहिए। यह उल्लेख शिव दिग्विजय बखर में आती है। अब इसी तरह से कुछ बकर और आती है, जैसे कि एक आती है तुम्हारी सभासद बकर, और कुछ बकर तुम्हारी और आती है जैसे कि तुम्हारी चिटनीस बकर। इन सारे बकरों में कुछ उल्लेख ऐसा भी आता है कि राज्याभिषेक होना चाहिए, यह शिवाजी महाराज का खुद का सोचना था।
राज्याभिषेक होना चाहिए, शिवाजी महाराज का खुद का सोचना था। कुछ बखरों का यह कहना है कि बालाजी जी चिटनिस का सोचना था, कुछ बखरों का यह कहना है कि शिवाजी महाराज का कुछ सोचना था, लेकिन गागा भट्ट वंश काव्यम क्या कहता है यह सोचो। गागा भट्ट वंश काव्यम यानी कि गागा भट्ट ने उनके वंशों के ऊपर एक पूरा एक किताब लिखी है, और तुला पुरुष प्रधान करके गागा भट्ट ने जब वो दक्षिण में आया, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद में भी उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब में गागा भट्ट कहते हैं कि मैं जब नासिक आया करता था तो उस समय में रामदास स्वामी मेरे कनेक्शन में रहते थे बहुत बार। उनका यह कहना था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए। वो कहते हैं कि रामदास स्वामी ने कहा था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवा। और एक बात समझना, आगे वो ये भी लिखते हैं कि जिस समय पे मैंने शिवाजी महाराज को ये बात कही कि रामदास स्वामी जी का ये कहना है कि उनका राज्याभिषेक होना चाहिए, तो शिवाजी महाराज ने रामदास स्वामी को भी इनवाइट किया था, और रामदास स्वामी ने कहा कि मैं तो गोसावी हूं, मेरा इसमें क्या काम, आप इनका राज्याभिषेक करवा लो। आप अगर पुरानी मूवी देखोगे ना, शिवाजी महाराज के ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट में मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे अगर याद आया तो मैं लिंक में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। उस मूवी में भी दिखाया है कि रामदास स्वामी की इच्छा थी कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने जरूर विरोध किया। उसमें क्षत्रिय मराठे भी आते हैं, ये जो आदिलशाह के दरबार में बैठे हुए करते थे, और उसमें ब्राह्मण भी आते हैं कृष्णा भास्कर कुलकर्णी के जैसे। ये दोनों वर्ग नहीं चाहते थे कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो, क्योंकि शिवाजी महाराज अगर राजा बन जाते तो इनके नाक में दम हो रहा था ना। इट हैज टू डू नथिंग विद द कास्ट, ये बात हमेशा याद रखना। तो आज के समय ब्राह्मणों ने क्या, इन्होंने क्या, इन्होंने ऐसा मत करो। अष्टप्रधान मंडल बनाया गया, उसमें से 7 ब्राह्मण ही थे, पेशवा कौन थे, ब्राह्मण ही थे। शिवाजी महाराज इतने मूर्ख नहीं है कि ब्राह्मणों को अपने साथ में रखेंगे अगर वो लोग ऐसा कर रहे तो। हर जाति के लोग उधर भी है, हर जाति के लोग इधर भी है। तुम सिर्फ अपनी जात बताओ, मैं तुमको तुम्हारे जातियों में कौन हरामी हुआ है तुमको तुम्हारी हरकतें बताता है। नहीं नहीं हम तो अच्छे ही थे, हमको क्या पता बे तुम कौन से साइड वाले हो, उधर वाले भी रह सकते हो, हमको क्या पता। आज क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है ना, इतिहास में जी के क्या करोगे तुम। तो ऐसे 3-4 हिसाब से ये आता है कि कुछ सजेशन इनके हैं, कुछ सजेशन इनके हैं, कुछ सजेशन इनके हैं। लेकिन और एक बात, कुछ लोगों का यह मानना है कि जिजाऊ साहब ने ऐसा कहा था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए, लेकिन जिजाऊ साहब के बारे में कोई भी उल्लेख किसी भी बखर में नहीं आता है, अनफॉर्चुनेटली। इसका मतलब यह है क्या कि मैं मां साहब जिजाऊ को मानता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं है उल्लेख तो मैं झूठ क्यों कहूं। किसी भी बखर में उल्लेख नहीं आता है कि मां साहब जिजाऊ का यह सजेशन था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए। हाँ, एज अ मदर उनकी इच्छा जरूर रही होगी, एज अ मदर उन्होंने कहा जरूर होगा कि आप राज्याभिषेक कर लो। और उस समय पे ऐसा था कि विष्णु के अवतार के रूप में राजा को देखा जाता था, इसीलिए भी जरूरी था कि शिवाजी महाराज राजा बने। और 20 मार्च शिवाजी महाराज की धर्मपत्नी पुत्राबाई, इनका निधन हुआ, आप सोचो। लेकिन उसके बाद भी 3 महीने के बाद शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करना पड़ा, क्योंकि राज्याभिषेक करवाना मेरे लिए नहीं था, वो राजा मतलब वो राजा के लिए नहीं था, मेरे लिए नहीं, कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं कह रहे कि मेरे लिए है, वो लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी जिंदगी में कई बार निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो कि यार मैं काम कैसे करूं, कार्य कैसे करूं। आप देखो अफजल खान को मारने जा रहे, शिवाजी महाराज की सबसे पहली पत्नी सहीबाई जी का निधन हो रहा है, उस समय पे भी शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने गए, सितंबर में हो रहा है। और शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी वो राजगढ़ थी, लेकिन राज्याभिषेक के वक्त शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी बदल दी और उसको किया रायगढ़। क्यों किया रायगढ़, क्योंकि जिस समय पे ये मिर्जा राजे जयसिंह आए थे उस समय पे शिवाजी महाराज को 2 बातें समझ गए कि राजगढ़ को काबू करना बहुत आसान हो सकता था, क्योंकि वो दिखता था। रायगढ़ वॉज ऑन अ वेरी पिक, 2185 फुट समुद्र तट से ऊपर है वो, और उतना ही नहीं,
रायगढ़ एक्चुअल में सर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तीनों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ों के बीच में सड़न नहीं दिखता नहीं। आप अगर एक पहाड़ पे खड़े रहोगे तभी तुम्हें रायगढ़ दिखेगा। रायगढ़ एकदम बहुत सुरक्षित गढ़ में माना जाता है, इसीलिए रायगढ़ को राजधानी करके चुना गया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद में शिवाजी महाराज के उस समय पे मैं एक पत्र, मैं पत्र पढ़ के दिखाऊंगा तुम्हें, कोई छोटा सा शॉर्ट डाल दूंगा उसमें, अभी वो मेरे को पत्र याद नहीं है, ठीक है, मतलब मैंने लर्न नहीं किया, कभी कभी होता है भाई मैं भी नहीं करता वो सब चीजें, तो मैं वो पत्र तुम्हें पढ़ के दिखाऊंगा। उस पत्र में ऐसा था, इतने सारे फारसी वर्ड आते थे, इतने सारे फारसी वर्ड आते थे कि शिवाजी महाराज ने बोला, बोले ये क्या है भाई इतने फारसी वर्ड। तो शिवाजी महाराज ने इसके ऊपर कमेटी स्थापित की और कमेटी स्थापित करके बोले ये सारे फारसी वर्ड हटाओ, और फारसी वर्ड हटा के वहां पे सारे मराठी के वर्ड डाले गए। 4,500 से 5,000 वर्ड नए वर्ड शिवाजी महाराज ने मराठी लैंग्वेज को दिया। सोचो कि इस व्यक्ति का कहां पे ध्यान था। शब्दकोश नया दिया, राज्य शब्दकोश। और शिवाजी महाराज का जिस समय पे राज्याभिषेक हो रहा था, अब यहां पे गागा भट्ट की भूमिका देखो। शिवाजी महाराज का जनेऊ नहीं हुआ था, तो राजा बनने के लिए जनेऊ होना बहुत जरूरी है। अब जनेऊ होने की आखिरी एज होती है क्षत्रियों में 22 साल, शिवाजी महाराज की एज वैसे क्रॉस कर गई थी, 44 हो चुके थे, वो डबल हो चुके थे। लेकिन इसके ऊपर भी तुला पुरुष प्रधान के ग्रंथ के हिसाब से गागा भट्ट जी ने सारे तोड़गे निकाले और शिवाजी महाराज का उस समय पे जनेऊ करवाया। ना कि सिर्फ शिवाजी महाराज का जनेऊ करवाया, शिवाजी महाराज का जनेऊ करवाने के बाद में शिवाजी महाराज की वैदिक पद्धति से सारी रानियों के साथ में शादी भी करवाई। और डिबेट हुआ है वहां पे कि क्यों शिवाजी राजे राजा बनना चाहिए और शिवाजी महाराज को राजा बनने का अधिकार कैसे है, शिवाजी महाराज क्षत्रिय कैसे है। अब लोग कहते कि शिवाजी महाराज तो क्षत्रिय थे नहीं। अब गागा भट्ट जी जो है वो उस समय के ही वॉज वन ऑफ द टॉप ऑर्डर के, एकदम जैसे हमारा चीफ जस्टिस होते हैं ना, वैसे उस समय पे टॉप ऑर्डर के धर्म पंडित, धर्म सभाओं के धर्म पंडित थे वो। तो सिसोदिया के वंश से उनका संबंध आते जाते रहता था। सो व्हाट ही डिड, अभी रियलिटी नहीं है कि शिवाजी महाराज राजपूत है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि शिवाजी महाराज राजपूत है या नहीं, एक बार जाके उसको फिर से देख लेना। उस समय की ये जरूरत थी कि ये जो बाकी के लोग जो बैठे हुए हैं, जो ये कहते थे कि दिल्ली शौरवा, जगदीश शौरवा और क्षत्रिय खत्म हो चुके हैं, और वो मानते थे कि राजपूतों में, तो वो मान रहे हैं कि राजपूतों को कम से कम वो क्षत्रिय है, तो कॉन्टैक्ट दिखाने के लिए एक वंशावली बनाई गई। और वंशावली झूठी थी, मतलब उस समय चलता था यार, कंडीशन ही ऐसे प्रिवेल हुई थी, मैंने बनाई, हो जाके एक बार देख लेना, मतलब वो वीडियो एक बार देख लेना। आप सोचो यदि उस समय पे शिवाजी महाराज राजा, राज्याभिषेक नहीं हुआ रहता तो मैं स्वतंत्रता मिली रहती। इसीलिए शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक 16 को मैं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन कहता हूं। 350 साल इस साल पूर्ण हुए शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को, कंप्लीट हुए शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को, मैं एक तरह से उस समय का सांस्कृतिक स्वतंत्रता ही समझता हूं, स्वतंत्रता समझता हूं। जरी टोप वाला भगवा ध्वज बनाया गया, शिवाजी महाराज ने नई टाइमलाइन बनाई, जैसे विक्रम संवत करके टाइमलाइन बनाई गई थी, युधिष्ठिर ने अपनी टाइमलाइन बनाई थी, शिवाजी महाराज ने अपनी टाइमलाइन बनाई, उसका नाम भी उन्होंने शिवशकनी दिया, यानी कि जैसे होता है ना विक्रम संवत शक, शिवशकनी दिया कि शिवाजी महाराज के अपने नाम से नहीं दिया, शिव राज्याभिषेक शक। कितना सेल्फलेस होगा ये राजा, सोचो तो। भगवे कलर का ध्वज वहां पे उस समय पे राष्ट्रध्वज करके इस्तेमाल किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि तिरंगा यदि मेरा राष्ट्रध्वज है तो भगवा मेरा सांस्कृतिक धोरण का ध्वज है, और मुझे दोनों प्रिय है। तिरंगा पहले है लेकिन मेरी संस्कृति भी है, क्योंकि अगर मेरी संस्कृति खत्म हुई तो भारत की मूल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी जीवित और शाश्वत है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हिंदू है और ये संविधान करने वाले सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ते हैं। मां बहन की गाली दे रहे किसी को भी, कोई थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर लो इन लोगों को, मां बहन की गाली दे रहे, तेरी बहन को मार देंगे, मां को
सब पता है मेरे को भाई, देख लो तुम इनको, संविधान संविधान करने वाले। इसीलिए एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में भगवा होना जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज है। शिवाजी महाराज ने उस समय पे, औरंगजेब का एक सरदार था, उसका नाम था बहादुर खान। अब शिवाजी महाराज को पता था कि भाई औरंगजेब उस समय पे बिजी था, क्योंकि अफगानियों ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन ये जो बहादुर खान था ये दक्खन में था, ये अटैक कर सकता है, ये शिवाजी महाराज को पता था। राज्याभिषेक पूरा अच्छे से हुआ और ये अटैक कर सकता है, शिवाजी महाराज को पता था, इसीलिए ये अटैक करे उसके पहले शिवाजी महाराज ने इसको थोड़े नजराने वजराने भेज दिए। बोले हम संभाजी महाराज को भेजेंगे, बोले तुम्हारे पास में हमारे पास में पैसे, बोले पैसे वैसे देंगे, और ये फंस गया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कुछ इस तरह से हुआ था, अभी जैसे मैंने तुमको अभी ये सब जो बताया, इसमें भी एक कार्यक्रम ये हुआ कि इसमें से भी कुछ गट जो थे, अब जैसे राम, हमारे रामलला की स्थापना हुई मूर्ति की, कुछ लोगों को बुरा लगा उसी समय में, वैसे भी कुछ लोग थे जिनको बुरा लगा, हमको मान नहीं दिया, तो शिवाजी महाराज को दूसरा राज्याभिषेक भी करवाना पड़ा उसी चक्कर में। और ये बहादुर खान का संकट तो था ही, महाराज ने दोनों को अटैक किया और शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया। अब इन दोनों को कैसे टैकल किया, कि शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक कैसे हुआ और बहादुर खान को कैसे टैकल किया, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में।